पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो चुका है। खेलों का महाकुंभ 11 अगस्त तक खेला जाएगा। वहीं इसी बीच इंडियन आर्ची प्लेयर मानु भाकर ने भी इंडियन मेडल टैली की शुरुआत कर दी है। वहीं सबके बीच करोड़ों देशवासी इंडियन एथलीट से इस बार भी मेडल्स की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन एथलीट के मेडल मिशन को कामयाब बनाने में कई इंडियन बिजनेस हाउसेज ने भारी भरकम निवेश किया है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JSW, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप, टाटा स्टील, NTPC और NMDC जैसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने पेरिस में चल रहे ओलंपिक में भाग लेने वाले इंडियन एथलीट के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया है। पेरिस ओलंपिक में पिछले सालों की तुलना में टॉप इंडियन कॉर्पोरेट की ओर से निवेश में 30-40% का इजाफा भी देखने को मिला है। JSW से जुड़े ऑफिशियल्स के मुताबिक पेरिस ओलंपिक साइकिल के दौरान उनका निवेश करीब 300 करोड़ रुपए रहा है। इस पैसे का इस्तेमाल हिमाचल, मणिपुर, उड़ीसा और हिसार में सैटेलाइट सेंटर्स में एथलीट्स की ट्रेनिंग, एक्सपोजर कैंप, रिहैब और रिकवरी में खर्च किया गया है। वहीं इंडिया का वुमेन आर्चरी टीम टाटा आर्चरी अकेडमी का प्रोडक्ट है, जिसमें वर्तमान टीम में अंकिता भगत, भजन कौर और दीपिका कुमारी भी शामिल है। टाटा ग्रुप सालाना खेलों पर करीब 75 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसके अलावा अडानी ग्रुप पेरिस ओलंपिक का मेन स्पॉन्सर भी है। फॉर एक्सक्लूसिव एंड इनसाइटफुल वीडियोस, सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल ABP Live Premium।